दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आयुष मार्ट की न्यू वेबसाइट में आईडी कैसे एक्टिव करें, अर्थात आप रेड आईडी को किस प्रकार से ग्रीन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। आप इन सभी स्टेप को फॉलो करके सही और आसानी से किसी भी व्यक्ति का आईडी एक्टिव कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से सीख पाएंगे कि किस प्रकार से रेड आईडी को ग्रीन अर्थात एक्टिव करना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिए। माय डियर फ्रेंड, यदि आप सीखना चाहते हैं कि आयुष मार्ट में नए व्यक्ति का साइन अप कैसे करें अर्थात रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और उसके ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों न्यू वेबसाइट में कंपनी ने आईडी एक्टिवेशन का प्रोसेस थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। आप इस वीडियो के सभी स्टेप को फॉलो करते रहिए और आसानी से आप सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एमएलएम डिटेल पर। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आपको करना क्या है, आपके मोबाइल में जो भी ब्राउजर होगा आपको उसको ओपन करना है। हमारे पास क्रोम है, हमने क्रोम को ओपन किया। क्रोम को ओपन करने के बाद हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है www.ayushmart.co, फिर हमें उसे सर्च कर देना है। क्लिक करने के बाद कंपनी की वेबसाइट का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर अकाउंट लिखा हुआ नजर आएगा, इस अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर चार ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है फ्री साइन अप, दूसरा ऑप्शन है आईबीए लॉगिन, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंचाइजी लॉगिन, चौथा ऑप्शन है कस्टमर लॉगिन। हमें आईडी एक्टिव करना है यानी रेड आईडी को ग्रीन करना है, इसलिए हम फ्रेंचाइजी लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फ्रेंचाइजी लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यह कंपनी का फ्रेंचाइजी लॉगिन पैनल है जिसमें पहला ऑप्शन है फ्रेंचाइजी कोड। चलिए मैं फ्रेंचाइजी कोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा फ्रेंचाइजी कोड क्या है। माय डियर फ्रेंड, जिन जिन डिस्ट्रीब्यूटर ने कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया है कंपनी उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर को उनका एक फ्रेंचाइजी कोड देता है जिसके माध्यम से वो लोग अपना फ्रेंचाइजी ऑपरेट कर सकते हैं। जिसके पास फ्रेंचाइजी कोड नहीं है उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी वो कंपनी में फ्रेंचाइजी लेंगे कंपनी उन्हें उनका फ्रेंचाइजी कोड दे देगा। माय डियर फ्रेंड, यह कोड आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कोड को बहुत ही संभाल कर रखें क्योंकि इस कोड के माध्यम से ही आप फ्रेंचाइजी का लेन देन कर पाएंगे। फ्रेंचाइजी कोड वाले ऑप्शन में आपको अपना फ्रेंचाइजी कोड टाइप करना है। चलिए मैं फ्रेंचाइजी कोड को टाइप कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंचाइजी यूजर आईडी, यहाँ पर आपको अपना आईडी नंबर टाइप करना है। माय डियर फ्रेंड, फ्रेंचाइजी यूजर आईडी आईबीए आईडी का मतलब है आपका आईडी नंबर। थर्ड ऑप्शन है पासवर्ड, यहाँ पर आपको आपकी फ्रेंचाइजी का पासवर्ड टाइप करना है। जो भी पासवर्ड फ्रेंचाइजी लेते समय कंपनी से मिला होता है उसे यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं आपका फ्रेंचाइजी पैनल खुल गया है। अब आप देखिए साइड में तीन लाइनें बनी हुई हैं जहां पर मेन्यू लिखा हुआ है, इस थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे कई सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएंगे। हमें आईडी एक्टिव करना है अर्थात रेड आईडी को ग्रीन करना है, इसलिए हमें सेल मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाकी सभी ऑप्शन की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अभी हमें आईडी एक्टिव करना है इसलिए हम इस टॉपिक में यूज होने वाले ऑप्शन पर चलेंगे। जैसे ही आप सेल मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, डायरेक्ट सेल एंड सेल रिपोर्ट। हमें डायरेक्ट सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डायरेक्ट सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईबीए आईडी का एक कॉलम नजर आ रहा है, इसमें हमें उस पर्सन का आईडी नंबर टाइप करना है जिसका आईडी हमें एक्टिव करना है, अर्थात जिस आईडी को हम ग्रीन करना चाहते हैं। आईडी नंबर टाइप करने के बाद आपको एक्टिवेशन ऑर्डर पर क्लिक करना है। हमें बाइनरी का आईडी एक्टिव करना है इसलिए एक्टिवेशन ऑर्डर पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप एक्टिवेशन ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है आर यू श्योर टू प्रोसीड एक्टिवेशन ऑर्डर, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि आप कंफर्म इसी आईडी को एक्टिव करना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यूजर एड्रेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपको उस आईडी नंबर की सारी डिटेल नज़र आएगी, जैसे जो आईडी आप एक्टिव करने जा रहे हैं वो किसके नाम पर है, उसका पिन कोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर आदि। ये सारी जानकारी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो आईडी नंबर टाइप किया था वो आईडी इसी नाम से लगी हुई है, अर्थात नाम के माध्यम से भी आपको यहाँ कंफर्म हो जाता है कि आईडी सही पर्सन का एक्टिवेट हो रहा है या नहीं। इस पेज पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको डिलीवरी एड्रेस लिखा हुआ दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है कॉपी यूजर एड्रेस टू डिलीवरी एड्रेस। इसका मतलब है आईडी का जो यूजर एड्रेस आप ऊपर देख पा रहे हैं वही एड्रेस को आप नीचे भी कॉपी करना चाहते हैं। अगर हाँ तो आप इस बॉक्स में एग्री कर दीजिए। जैसे ही आप एग्री करेंगे सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, डिलीवरी एड्रेस में जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन का भरा हुआ होना जरूरी है। अगर कॉपी एड्रेस करने के बाद भी कोई ऑप्शन फिल नहीं हो रहा है तो आप खुद उस ऑप्शन में वो डिटेल टाइप कर दें। यहाँ पर सबसे नीचे आपको आपकी फ्रेंचाइजी में पड़े सभी पैकेज दिखाई देंगे। आपको जिस भी पैकेज से आईडी एक्टिव करना है उस पैकेज नेम के सामने ऐड पैकेज लिखा हुआ है, आपको ऐड पैकेज पर क्लिक करना है। मैं आयुष कॉम्बो से ये आईडी एक्टिव करने वाला हूँ, इसलिए आयुष कॉम्बो के सामने लिखे ऐड पैकेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही आप ऐड पैकेज पर क्लिक करेंगे उस पैकेज का सारा डिटेल आ जाता है, जैसे पैकेज का टोटल अमाउंट 699, वेट 1000 ग्राम है, टोटल पीवी 10 है और टोटल नेट अमाउंट 699 है। थोड़ा सा नीचे आप देखिए मोड ऑफ डिस्पैच नाम का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा जिसमें ऑटोमेटिक बाय हैंड सेलेक्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मोड ऑफ पेमेंट। जैसे ही आप मोड ऑफ पेमेंट पर क्लिक करते हैं आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, ई वॉलेट, बाय कैश और बाय कार्ड। आपको बाय कैश पर क्लिक करना है क्योंकि आप अपनी फ्रेंचाइजी से कर रहे हैं, इसलिए बाय कैश सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैंक एंड वाउचर रेफरेंस नंबर, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं ओके बाय कैश, मैं यहां पर कैश लिख रहा हूं। इसके बाद में पेबल अमाउंट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल है कि 699 से आप आईडी एक्टिव कर रहे हैं। इसके बाद आपको ऐड मोड ऑफ पेमेंट नाम का बटन नजर आ रहा होगा, आपको ऐड मोड ऑफ पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड मोड ऑफ पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पेज और ओपन होता है, यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन भी नजर आएगा। अगर बाय चांस आपका पैकेज गलत सेलेक्ट हो गया है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं और फिर से सही पैकेज चूज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर सही है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप नीचे देखिए टू होम का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं उसी पर्सन का नाम टाइप कर दे रहा हूं जिसका आईडी एक्टिव करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट, जिस भी डेट में आईडी एक्टिव कर रहे हैं वो डेट आप कैलेंडर में सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल रिमार्क, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर थैंक यू लिख रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपको एक्टिवेशन प्रोसेस काफी लंबा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों कंपनी ये सभी प्रोसेस इसलिए कर रहा है जिससे कंपनी के पास में आप सभी का सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहे और गवर्नमेंट के सभी रूल को फॉलो करते हुए हर आईडी के एक्टिवेशन पर आपको उसका इनवाइस भी मिल पाए। सारा डिटेल हम फिल कर चुके हैं, अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा आर यू श्योर टू कंफर्म दिस ऑर्डर, मतलब आप श्योर हैं इस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए। अगर हाँ तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आईडी एक्टिवेट हो जाएगा और उस पर्सन का इनवाइस रेडी होकर आ जाएगा। समझ लीजिए आईडी एक्टिवेशन सक्सेसफुल हुआ, अर्थात उसका आईडी ग्रीन हो चुका है,
आप इस इनवॉइस का स्क्रीनशॉट लेकर उस पर्सन को शेयर कर दें कि उसका आईडी एक्टिव हो चुका है और ये रहा उसका बिल। कंपनी गवर्नमेंट के सभी रूल को फॉलो कर रही है, कंपनी सभी डिस्ट्रीब्यूटर को उसका बिल प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो कंपनी से एक रुपए का ही सामान क्यों ना लें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कंपनी ये सभी काम लीगल तरीके से कर रहा है। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपकी पूरी सहायता करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहे। माय डियर फ्रेंड, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।